हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। दीपक सर के साथ सितंबर 6 की द हिंदू एडिटोरियल की चर्चा में आपका स्वागत है। आज के द हिंदू एडिटोरियल का टॉपिक है इंटरेस्टिंग बट रिस्की ऑन आरबीआई फ्लोटिंग रेट लोन्स डिक्टेट। यह दिलचस्प है लेकिन जोखिम से भरा हुआ है। आरबीआई के अस्थिर दर पर जो लोन दी जा रही है उसके लिए सख्त आदेश। आरबीआई डिक्टेट टू बैंक्स कुड अस्पर बोरोइंग बट मे प्रेशर लेंडर्स मार्जिन्स। आरबीआई की सख्त आदेश बैंकों को कुड अस्पर बोरोइंग, यह कर्ज लेने में गति को जरूर बढ़ा देगी बट मे प्रेशर लेंडर्स मार्जिन, लेकिन जो कर्ज देने वाले बैंक हैं उनकी अतिरिक्त राशि पर इसका जबरदस्त प्रभाव होगा। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI has finally decided that it needs to address the problem of inadequate interest rate transmission head on. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अंतिम रूप से यह निर्णय लिया है कि अब यह आवश्यकता है कि inadequate interest rate transmission को सीधे तौर पे उसका समाधान किया जाए। यहाँ पे head on adverb के रूप में उपस्थित है। एड्रेस का मतलब यहाँ पे समाधान करना। यहाँ पे सेंटेंस दो भागों में हमारा टूटा हुआ है। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज फाइनली डिसाइडेड और उसके बाद इट नीड्स टू एड्रेस द प्रॉब्लम ऑफ इनएडिक्वेट इंटरेस्ट रेट ट्रांसमिशन हेड ऑन। इन अ सर्कुलर टू बैंक ऑन वेडनेसडे इट डायरेक्टेड लेंडर्स टू लिंक ऑल न्यू फ्लोटिंग रेट लोन्स गिवन टू बोरोअर्स इन द पर्सनल रिटेल एंड माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज कैटेगरीज टू एक्सटर्नल बेंचमार्क इंक्लूडिंग द रेपो रेट विथ इफेक्ट फ्रॉम अक्टूबर 1st। अपने पत्र में, अपने सर्कुलर में सभी बैंकों को जो आरबीआई ने लिखा है, बुधवार को उसने यह दिशा निर्देश बैंकों को जारी किया है कि वो सभी ऋण पर जो अस्थिर रेट जो बोरोअर्स को दिए जा रहे हैं, चाहे वो पर्सनल के मामले में हो, चाहे रिटेल के मामले में हो, चाहे माइक्रो या स्मॉल या मीडियम इंटरप्राइजेज के मामले में हो, सबको वो लिंक करे एक्सटर्नल बेंचमार्क से, बाहरी मानदंड से, जिसमें रेपो रेट भी शामिल होगा विथ इफेक्ट फ्रॉम अक्टूबर, और ये सारी बातें जो है सो अक्टूबर 1 से प्रभावी हो जाएंगी। While giving banks the relative freedom to choose the a specific external benchmark, including yields on the 3-month and 6-month, treasury bill published by the Financial Benchmark India Private Limited, the central bank made it clear that lenders would need to adopt a uniform benchmark within a loan category while giving banks to the relative freedom. यानी बैंकों को इससे संबंधित जो स्वतंत्रता दी गई है ताकि वो स्पेसिफिक एक्सटर्नल बेंचमार्क स्वयं से चुन सके, जिसमें शामिल किया गया है उनका 3 महीने पर और 6 महीने पर जो उनका मुनाफा है, और जो ट्रेजरी बिल जो पब्लिश की गई है फिनेंशियल बेंचमार्क इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा, द सेंट्रल बैंक दैट मीन्स द रिजर्व बैंक मेड इट क्लियर, उसने इस विषय पे स्पष्ट किया है कि लेंडर वुड नीड टू अडॉप्ट ए यूनिफॉर्म बेंचमार्क विद इन अ लोन कैटेगरी। कि लेंडर यानी उधार देने वाले जो बैंक हैं उनको अपनाना होगा एक समान बेंचमार्क जो कि लोन कैटेगरी के तहत होना चाहिए। Banks have also crucially been given the leeway to determine their spread over the benchmark rate with a caveat that changes to the creditors premium can only be made when the borrower's credit assessment undergoes a substantial change. यह बात बताई गई है कि बैंक को निर्णायक तौर पे वो स्वतंत्रता दी गई है जिसमें वो विस्तृत फैले हुए अपने बेंचमार्क रेट को निर्धारित कर सकते हैं, इस चेतावनी के साथ कि जो क्रेडिटर्स प्रीमियम में उनको परिवर्तन करना है यह तभी वो करेंगे जब बोरोअर्स क्रेडिट असेसमेंट जो है वह एक महत्वपूर्ण परिवर्तन के पड़ाव से गुजर रहा हो। दैट The inadequate transmission of policy rate moves has been an abiding conundrum for the RBI is well known. और कि एक जो अपर्याप्त पॉलिसी रेट मूव का जो संचार है वह सदैव RBI के लिए एक अस्थायी समस्या बनी हुई है इज वेल नोन, यह हम सभी जानते हैं। In 2015, then Governor Raghuram Rajan decided that the system used by banks to price their loans needed to be changed and so introduced the marginal cost of fund-based lending rate regime. In 2015, Governor Raghuram Rajan ne nirnay liya
कि जो पद्धति बैंकों के द्वारा उनके लोन के प्राइस को निर्धारित करने के लिए जो तय की गई है, अब उसकी परिवर्तन करने की आवश्यकता है। और इसलिए उन्होंने मार्जिनल कॉस्ट फंड बेस्ड लेंडिंग रेट की शुरुआत की। मार्जिनल कॉस्ट फंड्स लेंडिंग रेट वह रेट है जिस रेट से नीचे बैंक किसी को भी कर्ज नहीं दे सकती है। इन अक्टूबर 2017 एंड इंटरनल स्टडी ग्रुप ऑफ द RBI रिकमेंडेड द एडॉप्शन ऑफ एक्सटर्नल बेंचमार्क्स टू इंश्योर effective policy transmission after observing that the MCLR2 had failed to deliver. In October 2017, an internal study group of the RBI recommended the adoption of external benchmark to ensure effective policy transmission after observing that the MCLR2 had failed to deliver. October 2017 mein jo internal study group RBI ki bani, उसने यह सिफारिश किया कि एक्सटर्नल बेंचमार्क को अपनाना है ताकि प्रभावशाली तरीके से नीतियों का संचार किया जा सके। आफ्टर ऑब्जर्विंग दैट, और इसके बाद जब इसका अवलोकन किया गया और यह पाया गया कि MCLR2 हैड फेल टू डिलीवर, कि MCLR भी जो है सो एक प्रभावशाली नीति का संचार नहीं करा पा रही है, पॉलिसी मेकर्स इन फैक्ट हैव बीन सो वीक्ड विद पुअर ट्रांसमिशन अगेंस्ट ए टोटल ऑफ 75 बेसिस पॉइंट्स रिडक्शन इन द RBI रेपो रेट बिटवीन फरवरी एंड जून, द वेटेड एवरेज लैंडिंग रेट ऑन फ्रेश रुपी लोन्स एट बैंक्स इज्ड ओनली बाई 29 बेसिस पॉइंट्स। दैट मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मेंबर चेतन घाट इन अगस्त साइटेड द इशू एज रीजन टू अपोज द प्रपोज 35 BPS cut and instead voted for a 25 BPS reduction. Policy makers, नीति निर्धारक वास्तव में वो इतने ज़्यादा परेशान हैं इस पुअर ट्रांसमिशन से, यानी पॉलिसी का सही तरीके से संचार नहीं हो पाने से, अगेंस्ट अ टोटल ऑफ 75 बेसिस पॉइंट्स रिडक्शन इन द RBI रेपो रेट बिटवीन फरवरी एंड जून, कि रेपो रेट में 75 बेसिस पॉइंट की कमी की गई, द वेटेड एवरेज लैंडिंग रेट ऑन फ्रेश रुपी लोन्स एट बैंक्स इज ओनली बाई 29 बेसिस पॉइंट, और इसके बाद बैंक ने जो लैंडिंग रेट में जो कस्टमर को जो सहूलियत दिलाई वह केवल 29 बेसिस पॉइंट के जरिए था। दैट मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मेंबर चेतन घाटे इन अगस्त साइटेड द इशू, और इस विषय पे उन्होंने यह उदाहरण देते हुए इस मुद्दे के लिए यह कहा कि इसके पीछे जो कारण है, टू अपोज द प्रपोज 35 BPS कट एंड इंस्टीड वोटेड फॉर ए 25 BPS रिडक्शन, और इसी वजह से उन्होंने विरोध किया प्रस्तावित 35 बेसिस पॉइंट की कटौती का, और उसके बदले उन्होंने 25 बेसिस पॉइंट के रिडक्शन के लिए सहमति दी। यह पूरी लाइन कॉमन एरर के हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन फैक्ट का मतलब वास्तव में पॉलिसी मेकर्स यहाँ पे प्लुरल है, इसके साथ हैव का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर आप देखते हैं डैश दिया गया है और यहाँ पे भी डैश दिया गया है, अर्थात 75 बेसिस पॉइंट की जो RBI रेपो रेट की जो कमी की गई फरवरी और जून में, और इसका जो प्रभाव पड़ा है रुपी लोन एट बैंक्स इज्ड ओनली 29 बेसिस पॉइंट्स। ट्रांसमिशन दैट मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मेंबर चेतन घाटे इन अगस्त साइटेड, और जिसके खिलाफ विथ पुअर ट्रांसमिशन, और यहाँ पे हम इसको जोड़ रहे हैं दैट मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मेंबर चेतन घाटे ने जो उदाहरण दिया, द इशू एज रीजन, मुद्दा एक जो कारण बन सकता है टू अपोज द प्रपोज 35 BPS कट एंड इंस्टेड वोटेड फॉर 25 BPS रिडक्शन, जिसमें हमारा सेंटेंस फिर यहाँ से शुरू होता है और ये पूरा मिलाकर यहाँ तक आता है। By a large cut, 35 basis points, I feel we will be burning through monetary policy space without much to show for it. उन्होंने यह भी कहा कि जब हम 35 basis point की कटौती करते हैं तो इसका मतलब यह हो गया कि हम मॉनेटरी पॉलिसी में अपने आप को असंतुलित पाते हैं और इससे हम कोई भी फायदा नहीं देख पाते हैं। वाइल द रियल इकोनॉमी नीड्स सम सपोर्ट, जबकि वास्तव में हमारी वास्तविक इकोनॉमी को कुछ सहायता चाहिए। वी शुड वेट फॉर मोर ट्रांसमिशन टू हैपन, और निसंदेह हमें इंतजार करना चाहिए ताकि हमारी नीतियाँ और ज़्यादा संचारित हों। ही सेड एट MP
सीज रेट शेटिंग मीटिंग द मिनट सो, और अंत में उन्होंने इस बात पे जोर दिया मॉनेटरी पॉलिसी की मीटिंग में कि आने वाला समय इस बात को उजागर करेगा। द लेटेस्ट मूव विल श्योरली लोअर द इंटरेस्ट कॉस्ट ऑन न्यू फ्लोटिंग रेट लोन्स अवेल्ड बाई बोरोअर्स टू बाई कार्स और होम्स। इट मे फोर्स बैंक टू स्टार्ट कटिंग द इंटरेस्ट रेट दे पे डिपॉजिट होल्डर्स और रिस्क सीइंग देयर मार्जिन श्रिंक। यद्यपि यह जो लेटेस्ट मूव है लोअर इंटरेस्ट रेट पर लोगों को पूंजी अवेलेबल करवाना, उपलब्ध करवाना ताकि लोग कार खरीद सके या घर खरीद सके, फिर भी यह बैंकों को बाध्य भी करेगा कि यह जो लोगों के पैसा जमा करने पर जो दर से ये ब्याज देते हैं उस ब्याज दर में भी वो कटौती करे, या फिर जो इनके मार्जिन मनी है उसमें जो इनका जो जोखिम भरा हुआ है उसकी वो रक्षा स्वयं से कैसे करें। एंड वाइल द RBI वांट्स टू ट्राई and nudged an uptick in credit for become personal consumption and borrowing by beleaguered MSMEs, the success of the measure will ultimately be determined by a regaining of confidence by consumers to spend and a conviction by industry to invest. जबकि RBI यह चाहता है कि लोगों के क्रेडिट मिलने की जो expectation है वो उछले स्तर तक पहुँच जाए ताकि जो बिल्कुल शांत पड़ा हुआ व्यक्तिगत कंजम्पशन है वह फिर से उच्च स्तर पर चला जाए और MSME जिनको भी उधार लेने में दिक्कतें होती हैं उनको भी उधार आसानी से मिल सके। द सक्सेस ऑफ द मेजर, और कही जा रही है कि ये सारे उपायों की सफलता अल्टीमेटली अंत तभी निर्धारित की जाएगी जब कंज्यूमर के बीच पुनः कॉन्फिडेंस विश्वास जाग जाए और यह उनके अंदर खर्च करने की इच्छा बेहतर हो जाए और यह एक जो पुरानी मान्यता है कि इंडस्ट्री के लिए कि वो निवेश करने के लिए खुद तैयार हो जाए। डियर स्टूडेंट्स, यह एडिटोरियल इकोनॉमी से संबंधित है। इकोनॉमिक एडिटोरियल एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही बेहतर होता है। आप इसे दोबारा तिबारा ज़रूर पढ़ें और अपने दोस्तों को भी बताएँ। आप इस एडिटोरियल के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हम चाहेंगे आपकी इंग्लिश एक बेहतर स्थिति पर पहुंचे। हम फिर नए एडिटोरियल के साथ आपके अंग्रेजी को बेहतर बनाने के लिए अंग्रेजी की दुनिया में फिर आपसे मिलेंगे। थैंक यू।